दोस्तों नमस्कार। हिंदी भाषा में बोलने का अभ्यास कैसे करें? हिंदी भारत की राजकीय भाषा है, लेकिन विश्व में सबसे अच्छी भाषा यदि कही जाती है तो वो हिंदी होती है। हम हिंदी जो है अपने पूरे एजुकेशन के जीवन काल में अपने हिंदी को हम नहीं सुधार पाते हैं। अधिकांशतः बहुत पढ़े लिखे जो होते हैं, जो PhD भी कर लेते हैं, पूरी स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, वो भी हिंदी सही नहीं बोल पाते हैं। लेकिन हमारे भारत में जितने भी समाचार हैं, न्यूज हैं, यहाँ तक कि दिल्ली से लेकर के सभी राज्यों की जो न्यूज है वो अधिकांशतः हिंदी में आती है। तो हिंदी आप कब समझ पाएंगे? जब आप हिंदी को सीखने का अभ्यास करेंगे। बोलियाँ तो हर कोई बोल लेता है घरों में। अब अलग अलग जगह 3000 बोलियाँ हैं अपने भारत में, 3000 से अधिक, हर 5 किलोमीटर में अलग अलग बोलियाँ हैं। लेकिन बोलियाँ जो होती है वो मातृभाषा कहलाती है, और मातृभाषा से ही संबंधित अपनी हिंदी भाषा होती है। लेकिन हिंदी भाषा जो मानक भाषा कहलाती है वह हिंदी कहलाती है, जो सरकारी दस्तावेजों में जो लिखा हुआ होता है वही मानक भाषा कहलाता है, जो किताबों में लिखी होती है, पाठ्यक्रम में लिखी होती है, वही मानक भाषा कहलाता है। स्कूलों में जो भी हम पढ़ते हैं, टीचर जो पढ़ाते हैं, मानक भाषा के आधार पर पढ़ाते हैं। कई टीचर बोलियों के आधार पर पढ़ा देते हैं ताकि बोली में बच्चे को सही समझ में आती है। तो अलग अलग उसके अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ की जो बोली है, क्यों रे, कहाँ जाते रे, का कर अथी रे, इते आ, ये काम है, वो काम है, ऐसा। तो कुछ मात्राओं में भी अंतर होता है बोलियों में। जैसे हम अब उसको मानक भाषा में कैसे लेंगे, कहाँ जाते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, आप अभी क्या कर रहे हैं, कल आप कहाँ जाएंगे, ये मानक भाषा कहलाती है। लेकिन इसी को हम बोली में कहें तो कहाँ जा थसरे, कहाँ से आओ थसरे, का हो गो, कल कहाँ जाएगो, ये अलग अलग बोलियाँ होती है। अब आदिवासी बोली भी अलग होती है। तो बहुत सी जो बोलियाँ हैं, तो बोलियों को हम भाषा में परिवर्तन करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। और बच्चे यदि लगातार प्रयास करता है तो बहुत अच्छा बोल सकता है। और मानक भाषा यदि मजबूत हो गई तो वो सब भाषाओं को सरल तरीके से सीख सकता है। क्या होता है, अंग्रेजी में बच्चे पढ़ने लगते हैं लेकिन पूरे जीवन भर हिंदी सही ढंग से नहीं बोल पाते हैं, और उनका जीवन वैसे ही चला जाता है। थोड़ी सी स्पेस दीजिए, थोड़ी हमको ट्रेन पकड़ना है, यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करता है। मोबाइल इंग्लिश शब्द है, अब मोबाइल का हिंदी पूछोगे तो बहुत से हिंदी पढ़ने वाले भी नहीं बता पाते। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो कि हिंदी बोलियों में अपना स्थान ले चुके हैं। क्यों, अंग्रेजी शब्द बोलियों में अपना स्थान ले चुके हैं। अंग्रेजी जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के अंतर्गत आती है। तो भाषा यदि आपको सुधारना है तो आपको क्या करना होगा, पाठ्यक्रम के आधार पे आपको अभ्यास करना होगा, वो कहलाता है मानक भाषा। तो मानक भाषा यदि आप सीखने का अभ्यास करेंगे, लगातार अभ्यास करेंगे, तो अच्छे से आप हिंदी के वक्ता बन सकते हैं। क्योंकि हम वाक्यों को जब नहीं बना पाते हैं तो हम जो है बोलने में डरते हैं, अटकने लगते हैं, और किसी से बात करने में भी हम अच्छा नहीं समझते हैं। क्योंकि जब हम बोल नहीं पाएंगे, अपने किसी विषय के बारे में हम
उस भाषा का चयन नहीं कर पाएंगे, कौन से शब्द उपयोग करना है, किसको क्या बोलना है, कहाँ कौन सा शब्द लगना चाहिए। तो ये चीज़ों का ध्यान आपको सीखने से, अभ्यास करने से आएगा। अब इसके बाद जो है, मैं अगला वीडियो अब बताऊंगा, वो पर्यायवाची, पर्यायवाची के बारे में बताऊंगा, तो हमारे हिंदी के ही अगले वीडियो में उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। बाकी जो शब्द हैं उनको आप पढ़ करके सीख सकते हो, बाकी उसके बारे में कैसा है उस विषय पर विश्लेषण करके मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों नमस्ते, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।